हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच. हैप्पी टीचर्स डे में चित्रेश्वर, थैंक यू. निहारिका, थैंक यू सो मच. गुड आफ्टरनून, थैंक यू. कैसे हैं आप लोग? सब लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? थैंक यू सो मच. एक बार स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हमारा हम पजल स्टार्ट करते हैं. ओके, कैसे हैं निहारिका आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ओके, ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस. आप लोग हैं, दैट्स व्हाई मैं हूँ. हैप्पी टीचर्स डे मैम जी. थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच. एंड बिकॉज ऑफ यू गाइस आई एम हेयर. एंड अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं आज टीचर नहीं होती. तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू. एंड जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, जितने बच्चे मुझे जानते हैं, जितने बच्चों ने मुझे विश किया उनके लिए थैंक यू सो मच विशेस के लिए. एंड प्लस जितने बच्चों ने भी हैट मुझे गिफ्ट किया उनके लिए, ईच एंड एवरीथिंग फॉर विच दे आर डूइंग टू फील मी स्पेशल, टू मेक मी फील स्पेशल, थैंक यू सो मच. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून, माई नेम इज रौनक अग्रवाल. यप, आई नो सुमित आप नए हैं, क्योंकि आज ही आप पहली बार मेरी क्लास में आए हैं, मुझे बिल्कुल पता है. आई एम रौनक अग्रवाल एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अन अकेडमी जस्ट 9th and 10th. अन अकेडमी के जस्ट 9th and 10th के चैनल पर मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ. वन स्टॉप सॉल्यूशन टू क्लास 9th and 10th. ये जो चैनल है ये प्योरली हमने सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बुलाया है. यहाँ पे जो कंटेंट हम लोग डिलीवर करते हैं, इट इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. एंड हम लोग इसमें क्विज क्रिएट करते हैं, मेंटी क्विज होता है, जैसे आज मेरा क्रॉसवर्ड पजल्स है, ठीक है. इसके अलावा हम लोग 40 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग आपका क्विज सेक्शन देखते हैं. तो दिस इज हाउ एवरी एजुकेटर ऑन दिस चैनल प्लान्स देयर लेक्चर. चलिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग क्रॉसवर्ड पजल देखने वाले हैं. किसके ऊपर आज हम लोग क्रॉसवर्ड पजल देखने वाले हैं? द फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है. आज हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने कैसे हुआ था, क्या हुआ था. तो उसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग क्रॉसवर्ड पजल्स जो है आप लोगों के लिए लेकर आई. उससे पहले हम बात करते हैं, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, दो स्टूडेंट्स आर न्यू स्टूडेंट, उनको मैं बता देती हूँ. माई नेम इज रौनक अग्रवाल. आई हैव डन बी कॉम, एम कॉम एंड पीजीटी एंड आई हैव मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सोशल साइंस. एंड हेलो निहारिका, हाय निहारिका एंड आदित्य, हेलो, गुड आफ्टरनून, ठीक है. एंड आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सोशल साइंस. एंड वॉट इज मेंटी क्विज और पजल? इट इज पजल, क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है. यहाँ पे हम क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करेंगे. एंड 1 year एक्सपीरियंस एज एनटीटी टीचर. आई हैव मेंटर्ड स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9th and 10th. And taught more than 1,000 students. I also hold experience in teaching through online mode. चलिए अब बात करते हैं क्लास की फर्स्ट रिचुअल की, दैट इज टेलीग्राम ऐप. इफ यू वांट टू टॉक टू अस एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, जस्ट लिंक द कॉपी विच इज गिवन इन द स्लाइड. एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड क्या कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं. आप अपने जितने भी डाउट्स हैं वो हमें बता सकते हैं, ठीक है. एंड नाउ थैंक यू. अब बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की, द मोस्ट सेक्रेट रिचुअल ऑफ आर क्लास. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हमें क्यों लेना चाहिए और क्या कैसे लेना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको क्रॉसवर्ड पजल्स के बाद में बताऊंगी. बट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि अगर जिसने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, गो एंड चेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. 6 से लेकर 36 months तक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. गो फॉर मिनिमम 24 months बिकॉज 938 rupees का, थैंक यू आदित्य, 938 rupees का EMI आता है फॉर
24 months and if you apply my code RONAK10, then you will get 10% discount on your current cost. As soon as आप इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए, जैसे आपका प्राइस हाइक होता है उससे पहले आप ले लीजिए. थैंक यू सुधांशु, थैंक यू हर्षित, हाय गुड आफ्टरनून, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. मिथिलेश, ओ हाय, हेलो, हाय मिथिलेश, गुड आफ्टरनून. चलिए, आज हमारा चैनल जो है लॉन्च हो चुका है. मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आज हमारा जो चैनल है जस्ट इंग्लिश वाला, वो लॉन्च हो चुका है. इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के बेस्ट वोकैब ट्रिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, केयर फ्री, हाय भाविका, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, केयर फ्री कॉन्सेप्ट, बुक रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा. गो फॉर दिस चैनल एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. थैंक यू अर्चित. आज अभी मेरी 3 बजे वापस से क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास. एंड वहां पे हम लोग किस पे पजल देखने वाले हैं? हम लोग इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड ड्रेनेज पे हम लोग पजल्स देखने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स स्क्रैम्बल्स भी लेके आई हूँ. तो इट विल गोइंग टू बी अ वेरी लिट सेशन एंड इट विल गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. तो 3 to 4 मेरा आज क्लास है इस क्लास के बाद में. चलिए क्रॉसवर्ड पजल स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आप सब तैयार हैं? आर यू रेडी? चलो, ओके, थैंक यू निहारिका, थैंक यू. चलो अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डाउन. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द टर्म रेफर्स टू प्री रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी ऑफ फ्रांस. हाय सुमित, हेलो. चलो, जो प्री रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, सोसाइटी जो थी फ्रांस को, उसको हम क्या बोलते थे? कौन बताएगा? फटाफट से कमेंट में बताओ. A term refers to pre-revolutionary government and the society of France. क्या बोला जाता था? अरे ये चैप्टर तो आप लोग पढ़ चुके हैं. No. The term refers to pre-revolutionary government and society of France. Pre-revolutionary government जो था और society जो था फ्रांस को, उसको क्या बोलते थे? 1789 से पहले जितने भी आपके institutions थे उनको क्या बोलते थे? गवर्नमेंट थी उसको क्या बोलते थे? ई स्टेट. हे भगवान, उनको हम क्या बोलते थे? ओल्ड रिजीम. याद आया? चलो ये फर्स्ट है आपका. चलो, ओल्ड रिजीम उनको बोला जाता था. ठीक है, ओके. द डैश ऑफ द ह्यूमन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वॉज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोक्लेम्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटरनिटी एंड डिस्क्राइब बेसिक ह्यूमन राइट्स. इसको क्या बोलते थे? निहारिका इसका ऑलरेडी आंसर दे चुकी है. इसको हम बोलते थे डिक्लेरेशन. DEC. ओके, चल अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. द गवर्नमेंट बॉडी रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1791 टू 1792 एज अ लिमिटेड मोनार्की. ऐसी कौन सी गवर्नमेंट बॉडी थी जिसने 1791 से 1792 तक क्या किया है? एज अ लिमिटेड मोनार्की रूल किया है. क्या बोलते हैं उसको? डिक्लेरेशन हो गया है, थर्ड वाला बताओ. हाय अनुज, नमस्ते. देखो, ऐसी 1791 से 1792 को किसने फ्रांस को रूल किया था 1791 से 1792 के बीच में? बच्चों, कौन सी असेंबली ने रूल किया था?
जेकोबिन्स तो 93 के बाद आया था, वो 93 के बाद था। नेशनल असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली भी हम बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। नेशनल असेंबली इज द करेक्ट आंसर। को हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। विच ग्रुप वॉज कंपोज्ड ऑफ फ्रेंच नोबेलिटी, कौन सा ऐसा ग्रुप था जो फ्रेंच नोबेलिटी से बना हुआ था? क्या बोलते थे फ्रेंच नोबेलिटी को हम लोग? नोबल पीपल को क्या बोला जाता था? बताओ, नोबेल पीपल को क्या बोलते थे हम लोग? ओल्ड रिजीम सिस्टम के साइड हमने 3 E स्टेट देखे थे। इतना सारा क्लू दे दिया अब तो मैंने। सेकंड क्लब किस? सेकंड ई स्टेट। सेकेंड ई स्टेट बोलते थे हम, राइट। नोबेलिटी तो मैं खुद बोल रही हूँ कि नोबेलिटी जो ग्रुप कंपोज करता था उसको क्या बोलते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे? सेकेंड ई स्टेट बोलते थे। वेरी गुड। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। दिस वॉज द बेसिस ऑफ फ्रेंच इकोनॉमी इन 18th सेंचुरी। फ्रेंच इकोनॉमी का 18th सेंचुरी में क्या बेसिस था? क्या करते थे वो लोग? कौन सा एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते थे? चलो ऑप्शन देती हूँ, चार ऑप्शन में से पिक करना। एग्रीकल्चर, बेकरी, स्मॉल स्मिथ और नन ऑफ दीज। सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलते थे? एग्रीकल्चर, बेकरी शॉप्स एंड स्मिथ शॉप्स और नन ऑफ दीज। इसमें से चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा देखने को मिलता था? वेरी गुड अनुज, एग्रीकल्चर। योर करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर। ओके चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। द फ्रेंच लेजिस्लेचर विच डिड नॉट मीट 1614 एंड 1789। 1614 के बाद 1789 तक ऐसा एक फ्रेंच लेजिस्लेचर था जो कि टैक्सेस इंक्रीज करता था, बट वो बहुत टाइम तक मिला ही नहीं था, 1789 में जाके मिला था। क्या आंसर होगा इसका? ओके लेट मी गिव यू ऑप्शन। योर फर्स्ट ऑप्शन इज ईस्टेट जनरल, सेकेंड ऑप्शन इज सेकेंड ईस्टेट, थर्ड ऑप्शन इज फर्स्ट ईस्टेट एंड फोर्थ ऑप्शन इज थर्ड ईस्टेट। अब बताओ। वेरी गुड निहारिका, आंसर इज ईस्टेट जनरल। ओके अब बात करते हैं हमारे सेवेंथ क्वेश्चन की। कंपोज्ड ऑफ हाई रैंकिंग क्लर्जी, ऐसे लोग जो कि हाई रैंकिंग क्लर्जी से बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? योर फर्स्ट ऑप्शन इज सेकेंड ई स्टेट, सेकेंड ऑप्शन इज फर्स्ट ई स्टेट, थर्ड ऑप्शन इज कॉमन पीपल
एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. ओके द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ई स्टेट. आई थिंक ये वाला पजल थोड़ा गलत हो गया है, हम यहां पर ही लिख लेते हैं. चलो अ पैलेस अ लग्जीरियस रॉयल पैलेस लोकेटेड जस्ट आउटसाइड ऑफ पैरिस. ऐसा लग्जीरियस पैलेस जो कि आउटसाइड पे लोकेटेड था पैरिस के, उसको क्या बोला जाता था. थैंक यू भावेश, थैंक यू. क्या बोलते थे उसको. चलो ऑप्शंस देते हैं आपको, कहाँ पे लोकेटेड था द लग्जीरियस लोएस्ट पैलेस, जो हमारा रॉयल पैलेस था पैलेस ऑफ ट्रूलिस, वो कहाँ पे लोकेटेड था उसकी बात करते हैं. ब्रुडॉक्स, नेटीज, सी ऑप्शन इज वर्सेल्स, डी ऑप्शन इज पेरिस एंड नन ऑफ दीज. हेलो तनिष, थैंक यू, थैंक यू. अगेन आई एम रिपीटिंग द ऑप्शंस. योर फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रुडॉक्स, बी इज नेटीज, सी इज वर्सेल्स, डी इज आपका None of these. Very good. Your correct answer is Versailles. Okay. चल अब देखते हैं हम next. Now, idea that monarch rule through the might and will of God. ऐसा idea जो कि monarchy जो है वो rule करेगा with the will and right of the विल ऑफ गॉड. चलो इसके मैं आपको ऑप्शन देती हूँ. यानी एक ऐसा आइडिया जिसमें जो मोनार्क है वो ऑलमाइटी है एंड गॉड के विल पे वर्क करेगा, उसको क्या बोलते हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ए इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सी इज डिवाइन राइट, डी इज नन ऑफ दीज. वेरी गुड, योर करेक्ट आंसर इज डिवाइन राइट्स. चल बिल्कुल सही. नाउ अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की. हु कंपोज्ड देयर मस्ट बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. किसने बोला था कि हमेशा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में एंड उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में. योर ऑप्शंस आर जॉन लॉक, रूसियो, मॉन्टेस्क्यू एंड जीन पॉल. कार्ल मार्क्स तो थे ही नहीं यहाँ पे. हाय श्रेया, हाय. वेरी गुड, योर करेक्ट आंसर इज रूसियो. मुझे लग रहा है ये पजल्स ही पूरे मिक्सअप हो गए हैं. चलो इधर ही कर लेते हैं सॉल्व. ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन इज नेम गिवन टू द इंटेलेक्चुअल पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी यूरोप. 18th सेंचुरी के यूरोप को हमने कौन सा इंटेलेक्चुअल पीरियड का नाम दिया था. क्या बोलते थे उन लोगों को हम लोग क्या बोलते थे उनको. ऑप्शंस हैं आपके. Your first option is third estate, common people. Second option is philosophers. Third option is middle class. And fourth option is noble people. अब बताओ. Your first option is आपका common people. Second option is आपका philosophers. C is middle class and D is आपका noble people. अब इसमें से बताओ.
मिडिल क्लास, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, उसका आंसर है आपका मिडिल क्लास। चलो अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इन 1791 राइट टू वोट गिवन टू डैश सिटीजन, राइट टू वोट कौन से सिटीजन को दिया था? हाय दिव्या, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू। 1971 में राइट टू वोट किन वोटर्स को दिया था? ये तो सबको आना चाहिए बिना ऑप्शन के। एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स, वेरी गुड। एंड योर करेक्ट आंसर इज दिया, सॉरी दिया, योर करेक्ट आंसर इज एक्टिव सिटीजन्स। अनुज, हाउ कैन यू से दैट कि थर्ड ई सीट को हमने वोटिंग राइट दिया था, हमने तो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को राइट दिया था। बिल्कुल सही बोला दिया ने। चलिए, सॉल्ट टैक्स को क्या बोला जाता था ये भी मैंने बताया था। क्या बोलते थे सॉल्ट टैक्स को? हम बोलते थे गिबेल, जी ए बी, सॉरी फिफ्थ वाला है ना ये तो, ओ सॉरी सॉरी, जी ए बी ई डबल एल ई, ओके। चल अब बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। सर्फ बाउंडेड टू द सॉइल हु हैड नो वॉइस इन एग्रीमेंट, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, दे हैव नो वॉइस टू सो द नो वॉइस टू रेज, ठीक है। योर ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज आपका क्लर्जी, सेकेंड इज नोबिलिटी, थर्ड इज पीजेंट्स एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। अब बताओ, वेरी गुड दिया, आंसर इज पीजेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड तनिष्क, वेरी गुड। ओके वेरी गुड निहारिका, बिल्कुल सही। चलो अब बात करते हैं, 1793 एंड 1794 इज नोन एज रीन ऑफ डैश, 1793 1794 को हम क्या बोलते थे? ये तो बहुत इजी है, ये तो सबको आना चाहिए, वेरी गुड मालती, द आंसर इज टेरर, रीन ऑफ टेरर, टी ई डबल आर ओ आर, करेक्ट आंसर। ओके चलिए हाँ बिल्कुल सही, सबका आंसर बिल्कुल सही है अदिति, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लैंड टैक्स, लैंड टैक्स को क्या बोला जाता था, क्या बोलते थे हम? टिथ या टाइल, वेरी गुड, योर करेक्ट आंसर इज टिथ। सो हम टिथ किसको, कौन होता था टिथ, किसको पे करते थे हम? योर करेक्ट आंसर इज टाइल, टी आई डबल एल ई, ठीक है। ओके
TALLE, यहां लिख देते हैं हम E. चलो, अ प्रीस्ट हु लीड नेशनल असेंबली, ऐसे प्रीस्ट उन्होंने नेशनल असेंबली को लीड किया था, क्या बोलते हैं उनको, कौन से प्रीस्ट थे, कौन से दो लोग थे जिन्होंने नेशनल असेंबली को लीड किया था, जब हमारी नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी दो लोग थे जिन्होंने नेशनल असेंबली को लीड किया था, उसमें से एक आपके प्रीस्ट थे, एक नॉबल पीपल थे, क्या नाम था उनका, अबेसियस, वेरी गुड निहारिका, उनका जो करेक्ट नेम था वो था अबेसियस. वेरी गुड अबेसियस, सबका सही है, विनय इज करेक्ट, मालती इज करेक्ट, दिया इज करेक्ट, ठीक है, अबेसियस. तो अबेसियस जो थे प्रीस्ट थे, पुजारी थे, जिन्होंने क्या किया था, आपका लीड किया था कौन से ग्रुप को, जो आपके नेशनल असेंबली का ग्रुप था उसको, एंड नोबल जो थे वो कौन थे, मीराबो, ठीक है, ओके. ऑल फ्रेंच वुमेन वर कॉल्ड इन 1793, जितने भी फ्रेंच वुमेन थे उनको 1793 में क्या बोला जाता था, मैं आप नॉर्मल लिखो, इंग्लिश में लिखो, ABBESIEYES, हम ऐसे ही लिखते हैं, हम स्पेनिश में थोड़ी लिखेंगे, फ्रेंच में थोड़ी लिखेंगे, नॉर्मल इंग्लिश में लिखो, मीराबो, मीराबो एंड अबेसियस, ठीक है. चलो अब मुझे बताओ कि जितने भी फ्रेंच वुमेन थे उनको 1793 में क्या बोला जाता था, नहीं एक्टिव वुमेन तो नहीं, आपको याद होगा रीन ऑफ टेरर के टाइम पे मैडम एंड सर बोलते थे, तो उसको चेंज करके हमने कुछ कुछ नाम रखे थे, रॉबेस्पियर ने क्या नाम रखे थे, उनका जो नाम था वो था सिटीजन एंड सिटियोनी, याद आया, यानी मेल के लिए तो हम सिटीजन यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम सिटियोनी यूज करते हैं, एंड योर करेक्ट आंसर इज CITO. यस, मैडम की जगह हमने क्या यूज करना स्टार्ट किया था, सिटियोनी यूज करना स्टार्ट किया था, यहां तक ठीक है, वेरी गुड, सिटियोन एंड सिटियोनी, वेरी गुड, कल्पना इज वेरी राइट, दिव्या, दिया, अर्चित, सब सही है, ठीक है. चलो लेट्स मूव फर्दर, अब मुझे बताओ, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द ऑथर ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज हु टोट टू नीड फॉर थ्री सेपरेट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ऐसे ऑथर जिन्होंने क्या बोला कि सेपरेट ब्रांचेस होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी की, उनका नाम क्या है, किसने लिखा था स्पिरिट ऑफ लॉज, पक्का पक्का पक्का, आर यू श्योर, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज मॉन्टेस्क्यू, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज मॉन्टेस्क्यू. एवरी वन, आयुष, कल्पना, दिया, निहारिका, अर्चित, बिल्कुल सही है. चलो अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्जोर ऑल द फ्रेंच मैन यूज्ड वर यूज्ड, मॉन्जोर की जगह उन्होंने क्या यूज करना स्टार्ट किया था, अभी बताया मैंने, अभी जस्ट बताया है, बिल्कुल सही, उनका था सिटीजन, क्या बोलना स्टार्ट किया था उन्होंने, सिटीजन, ठीक है. बीइंग फ्री मींस, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, ऑथर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हु एडवोकेटेड दैट गवर्नमेंट राइटफुली रूल ओनली दोज थ्रू द विल ऑफ पीपल, ऐसे, हाँ बिल्कुल सिटीजन, बिल्कुल सही आंसर है, ऐसे ऑथर जिन्होंने क्या बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि गवर्नमेंट कैसे वर्क रूल करे, गवर्नमेंट राइटफुली रूल करे थ्रू द विल ऑफ पीपल,
इसको क्या बोलेंगे? किसने बोला? हेलो आशीष, हाय, रूसियो। बिल्कुल सही, योर करेक्ट आंसर इज रूसियो, RUSSIAU। ओके, किंग ऑफ फ्रांस फ्रॉम 17। कार्ल मार्क्स तो है ही नहीं विनय कुमार, इसमें कार्ल मार्क्स तो है ही नहीं बेटा। बिल्कुल सही, सब बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, रूसियो। बिल्कुल सही, किंग ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1774 टू 1792, क्या नाम था किंग ऑफ फ्रांस का? वेरी गुड मालती, लुइस 16। ओके चलो, लुई 16 इज करेक्ट आंसर। अलका इज वेरी गुड, निहारिका, कल्पना, मालती, सब सबका आंसर सही है, तनिष्क सबका आंसर सही है। चलो लेट्स मूव टू फर्दर क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। बीइंग फ्री मींस, बीइंग फ्री का मतलब क्या था किसके अंदर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। नहीं, वो तो द एक्ट ऑफ बीइंग फ्री था। नहीं, चलो ऑप्शन देती हूँ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड। अब बताओ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, अब बताओ। वेरी गुड, योर करेक्ट आंसर इज लिबर्टी। लिबरल, लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्री। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। तो लिबर का मतलब क्या हो गया? लिबर्टी। ठीक है, जब आपके पास में द एक्ट ऑफ बीइंग फ्री आए तब आपको क्या करना है? ब्रोकन चेन्स का आंसर देना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलो सिक्स क्वेश्चन, फेमस फॉर अलाइजली सेइंग फॉर स्टार्विंग फ्रेंच पीजेंट लेट देम ईट केक, क्या होता है? एक इंसिडेंट होता है, जो पीजेंट्स होते हैं ना वो सब लोग कहाँ जाते हैं, जो इनका वर्सल्स में फोर्ट होता है, ट्रूलिस फोर्ट होता है, वहां पे जाते हैं और किंग को बोलते हैं कि हम लोग के पास में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो एक वहां पे एक लेडी प्रेजेंट होती है और वो मजाक में बोलती है कि इनको केक खिलाओ, तो क्या कौन थी वो जो ये बोलती है? ऑप्शंस देती हूँ, योर फर्स्ट ऑप्शन इज ओलंपस डी गॉगस, सेकेंड ऑप्शन इज जीन अपॉल, थर्ड ऑप्शन इज मैरी एंटनी एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। अब बताओ। बिल्कुल सही कल्पना, योर करेक्ट आंसर इज मैरी एंटनी। मैरी एंटनी जो होती है वो बोलती है कि इनको केक खिलाओ, या मैरी एंटनी। वेरी गुड, चलो बिल्कुल सही। सचिन, अलका, दिया, मालती, मिथिलेश, तनिष्क, कल्पना, अर्चित, एवरीवन इज करेक्ट। वेरी गुड, चलो अब बात करते हैं हमारे सेवेंथ क्वेश्चन की। लुई किंग 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ डैश। लुई किंग 16 को कोर्ट में डेथ का चार्ज क्या दिया गया था? किस चार्ज पे उन्होंने डेथ के लिए उनको भेजा गया था? क्या चार्ज लगाया था 1792 में, एंड उनको फिर ग्लूटाइन कर दिया गया था? वेरी गुड निहारिका, द चार्ज इज ट्रिजन। वेरी गुड, ट्रिजन का चार्ज उन पे लगाया गया था। द यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794, ऐसा यूनिट फ्रांस की करेंसी का जो कि डिसकंटिन्यू हो गया था 1794 में, उसको क्या बोलते थे? वेरी गुड, लिवायर्स, योर करेक्ट आंसर इज लिवायर। वेरी गुड, सबको आता है। चल अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ,
द रेवोल्यूशनरी सॉन्ग दैट बिकेम द फ्रेंच नेशनल एंथम, ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी सॉन्ग था जो कि आपका फ्रेंच नेशनल एंथम बन गया था? वेरी गुड मार्सेल्स, वेरी गुड. लिख देते हैं. मार्सेल्स. चलो अब बात करते हैं द स्ट्रेंथ लाइज इज यूनिटी इज डिपेक्ट बाय, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का, उसमें स्ट्रेंथ जो है यूनिटी में लाया करता है, ये किसने डिपेक्ट किया था, कौन सी पिक्चर से हम देख के बोल सकते थे? ऑप्शंस दो. बिल्कुल सही निहारिका, द बंडल ऑफ रॉड्स. बिल्कुल सही, द बंडल ऑफ रॉड्स, करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. केमिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री आपका अभी मैं बता दूंगी आपको, टाइम टेबल आएगा तो उसमें आप देख लेना केमिस्ट्री कौन से मैम पढ़ाते हैं. चलो अब देखते हैं द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस. नेशनल कलर जो था फ्रांस, सबसे पहले द डैश ऑफ द क्लर्जी वॉज अ लॉ. द डैश ऑफ द क्लर्जी वॉज अ लॉ दैट पुट द क्लर्जी अंडर द स्टेट कंट्रोल, ऐसा कौन सा लॉ था जिसने क्लर्जी को स्टेट कंट्रोल में डाल दिया था, कौन सा लॉ था ऐसा? ऑप्शंस दो. चलो ऑप्शंस देते हैं आपको. सबसे पहले सिविल कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज योर मोनार्कियल गवर्नमेंट, थर्ड इज योर आपका लेजिस्लेटिव एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज. ओके, योर फर्स्ट ऑप्शन इज सिविल कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड ऑप्शन इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, थर्ड ऑप्शन इज आपका लेजिस्लेचर, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. एंड फर्स्ट, चलो आपको नहीं आएगा मैं बता देती हूँ, योर करेक्ट आंसर इज सिविल, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन. ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आप लोगों को गेस करना था. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज द टेनिस कोर्ट सिचुएटेड एट, टेनिस कोर्ट कहां पे सिचुएटेड था, ये तो सबको पता होगा. द टेनिस कोर्ट सिचुएटेड एट, टेनिस कोर्ट कहां पे सिचुएटेड था? ब्रूडॉक्स, नेटीज, वर्सेल्स, उसके बाद में आपका मार्टिनिक्यू एंड नन ऑफ दीज. वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज वर्सेल्स. ओके, थर्ड, द डैश वॉज अ पीरियड दैट सॉ अराउंड 15,000 पीपल गिलोटाइन बाय द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, ऐसा कौन सा पीरियड था जहां पे 15,000 लोगों को गिलोटाइन कर दिया गया इस कमिटी ने पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, क्या बोलते थे उस पीरियड को? वेरी गुड, योर करेक्ट आंसर इज रीन ऑफ टेरर. वेरी गुड, वेरी गुड, रीन ऑफ टेरर. चलो फोर्थ क्वेश्चन, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, नेशनल कलर क्या थे फ्रांस के? व्हाट इज द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस?
क्या थे? ब्लू व्हाइट रेड, ना कि रेड व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट एंड रेड, रेड व्हाइट ब्लू तो रशिया का है। चलो फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, लेट्स मूव टू फिफ्थ। दिस वाज अ रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी लीड बाय डेंटन मार्ट एंड रॉबेस्पियर। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इन हाँ सीक्वेंस में ही तो करवा रही हूं मैं, तो उनको हम क्या बोलते थे, कौन सी पॉलिटिकल ग्रुप का नाम था इसका? चलो इसके ऑप्शंस दे देती हूँ मैं आपका। फर्स्ट है फर्स्ट पार्टी है आपका रेडिकल, सेकंड है आपका कंजर्वेटिव, थर्ड है आपका जैकोबियन। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, जैकोबियन, बिल्कुल सही। ओके लेट्स मूव अप टुवर्ड्स सिक्स। दिस मैन अ लीडर ऑफ कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी वॉज हिमसेल्फ ग्लूटाइन इन जुलाई 1794। जो आदमी पब्लिक सेफ्टी कमिटी का लीडर था उसको खुद को ग्लूटाइन कर दिया गया जुलाई 1794 में। कौन थे जो जुलाई 1794 में जिनको ग्लूटाइन किया गया था रीन ऑफ टेरर के टाइम पे? बिल्कुल सही, योर करेक्ट आंसर इज रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, बिल्कुल सही। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स सेवेंथ। दिस गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1792 टू 1795, अबॉलिशिंग द मोनार्की एंड एस्टेब्लिशिंग द फ्रेंच फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक। ऐसी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जिसने 1792 से 1795 के बीच में काम किया है, मोनार्की को अबॉलिश किया एंड फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक स्ट्रक्चर जो है उसको लेके आए, क्या नाम था इसका? नो, डिक्टेटरशिप इज नॉट द आंसर। चलो ऑप्शंस बताती हूँ, रेडिकल, कन्वेंशन, नेशनल असेंबली, नन ऑफ दीज। रेडिकल, कन्वेंशन, नेशनल असेंबली, नन ऑफ दीज। निहारिका वेरी गुड आंसर, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, कन्वेंशन, योर करेक्ट आंसर इज कन्वेंशन। कन्वेंशन ही तो बनती है, उसके बाद ही तो आपको एग्जीक्यूट किया जाता है ना। चलो एट्थ वाले पे पहुंचते हैं। डैश वॉज द न्यू फ्रांच गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईयर थर्ड ऑफ रिपब्लिक विच रूल्ड फ्रॉम 1795 टू 1799। ऐसी गवर्नमेंट जो कि 1795 से 1799 तक रूल करती है न्यू फ्रेंच गवर्नमेंट को, क्या होता है उसका नाम? कन्वेंशन, डायरेक्टरी, नेशनल असेंबली और नन ऑफ दीज। कन्वेंशन, डायरेक्टरी, नेशनल असेंबली, नन ऑफ दीज। वेरी गुड ओम, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड तनिष्क, करेक्ट आंसर इज द डायरेक्टरी। ओके दिस मैन हु डिलेट का मतलब होता है डिक्टेटरशिप एंडेड द डायरेक्टरी रूल इन 1799। ओके सॉरी सॉरी इंद्रजीत सॉरी। ऐसा आदमी जिसने डिक्टेटरशिप को खत्म कर दिया था 1799 में और मिलिट्री रूल लगा दिया था उसको हम क्या बोलते हैं, क्या नाम था? एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट, बिल्कुल सही, नेपोलियन बोनापार्ट, बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, ऑल दीज थ्री स्टेट्स मीट अंडर दिस नेम ऑन जून 23, 1789। ये तीनों स्टेट मिलते हैं एक सेम नेम के अंदर ऑन जून 23, 1789, क्या होता है उसका नाम? 23 जून 1789 को मिलते हैं, 5, 20, 14, 4 याद करो। Your options are East State General, National Assembly, Convention and Directory. Your options are East State General, National Assembly, Convention, Directory. अरे फिफ्थ में को मिल जाते हैं ना ईस्ट स्टेट जनरल के लोग, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, नेशनल असेंबली आएगा बाबा।
योर करेक्ट आंसर इज नेशनल असेंबली. याद तो करवाया था, 5, 20, 14, 4 सिखाया तो था सबको, 5, 20, 14 और 4. यहाँ पे ई स्टेट जनरल का मीटिंग होता है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे नेशनल असेंबली फॉर्म होता है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉर्मिंग ऑफ बिस्टाइल, और यहाँ पे क्या था आपका, फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कोई बात नहीं, चल. तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्विज. आज बस मैं इतने ही क्विज लेके आई थी. जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, यहाँ पे प्रियंका मैम जो है साइंस पढ़ाते हैं 12 PM पे, उसके बाद रुपिंदर मैम 10th का सोशल साइंस पढ़ाते हैं, मैं 9th का सोशल साइंस पढ़ाती हूँ. भावना मैम जो है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी अबाउट अ डायरेक्टरी रूल, श्योर आई विल, वेट अ सेकेंड. उसके बाद में भावना मैम 2 PM, उसके बाद में आपका वंशिका मैम, श्रेष्ठा मैम, सौरभ सर, जैन सर, ख्याति सर एंड धुरविल सर. केमिस्ट्री आपको धुरविल सर पढ़ाते हैं फ्रॉम 8 PM to 9 PM, ठीक है. मेंटी आपका नेक्स्ट वीक में होगा. चलो, अब मुझसे किसी ने पूछा था डायरेक्टरी के बारे में, तो मैं आपको डायरेक्टरी के बारे में बता देती हूँ. मेंटी नेक्स्ट वीक में होगा, स्वरित इंद्रजीत सॉरी. डायरेक्टरी क्या था, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे आपके, राइट. ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने, दोनों ने मिलकर क्या किया था, एक 5 पीपल का ग्रुप जो है उसको चूज किया था, एंड उसका क्या था, एक प्रेसिडेंट था. थैंक यू पलक. इस पूरे को हमने क्या बोला है, डायरेक्टरी. ये 5 लोग और ये एक प्रेसिडेंट मिलकर पूरे फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको चलाने का काम कर रहे थे, ठीक है. मैम नेटवर्क कनेक्शन इज बैक, गुड. तो ये सब दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, उसको चलाने का काम कर रहे थे, तो इसको हमने बोला है डायरेक्टरी. और जब यहाँ पे वोटिंग राइट की बात आई, तो यहाँ पे वोट सिर्फ और सिर्फ नोबल पीपल को दिए गए और उन आदमियों को दिए गए जो कि बहुत ही रिच स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर डायरेक्टरी. चलो, आज की क्लास यही खत्म करते हैं. कल आपका क्या होने वाला है, A to Z सीरीज जो है मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए. और A to Z सीरीज में हम लोग कल देखने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ए से लेकर जेड तक के जितने भी टर्म्स हैं उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है. कि कैसे आपका हर एक टर्म एक्सप्लेन करता है पूरे चैप्टर को, ठीक है. तो कल मैं आपको A to Z सीरीज लेके आ रही हूँ, किसकी, इकोनॉमिक्स की. उसमें हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. थैंक यू मालती, थैंक यू अलका, थैंक यू. चलिए, तो जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल करिए. क्योंकि 3 बजे अभी क्या है, 3 बजे मेरी क्लास है, फटाफट से आप मेरी क्लास में आ जाइए. स्पेशल क्लास में भी हम लोग क्विज लेने वाले हैं, किसका, इंडिया साइज एंड लोकेशन का, एंड उसके अलावा ड्रेनेज का. अगर आप 9th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास को सिलेक्ट कीजिए, 10th क्लास के बच्चे हैं 10th को सिलेक्ट कीजिए. स्पेशल क्लास मेरी अभी है, और प्लस का कोर्स मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो प्लस के कोर्स पे भी आप आ जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए. गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए एंड गो फॉर 12-month सब्सक्रिप्शन, बिकॉज आपके 6 से 7 सब्जेक्ट जो भी है 9th एंड 10th के, उन सब का EMI आपका आता है 938 rupees पर मंथ ओनली. तो गो फॉर 12 months मिनिमम एंड अप्लाई माई कोड RONA10 टू गेट 10% मोर डिस्काउंट. अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट सेशंस देखने को मिलते हैं, लाइव लर्निंग देखने को मिलती है, उसके बाद में मिनी क्विज देखने को मिलता है, उसके बाद में आपको कंप्लीट होने के बाद में मेगा क्विज देखने को मिलता है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं. माई नेम इज रौनक अग्रवाल मानती, एंड इफ यू अप्लाई माई कोड RONA10 देन यू विल गेट 10% मोर डिस्काउंट. तो इसी तरह से बच्चों लाइक करते रहिए इस चैनल को, जस्ट 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग न्यू लेक्चर्स, एंड यूज माई कोड RONA10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. तब तक के लिए मिलते हैं अभी 5 मिनट बाद में अनअकैडमी के स्पेशल क्लास वाले ऐप पे. चलिए, तब तक के लिए बाय बाय.